शाहिद कपूर ने की नकली नोटों की तस्करी। बॉलीवुड के खलनायक बने कबीर सिंह। क्या है शाहिद के गुनाहों के पीछे की कहानी? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। जहां एक और महादेव बेटिंग ऐप को लेकर के चर्चा में है, एक केस है जो लगातार बड़े बड़े सितारों पर किया जा रहा है। केस दर्ज हो रहे हैं रणबीर कपूर पर, श्रद्धा कपूर पर, भारती सिंह पर, कई बड़े नाम इसमें सामने हैं। तो वहीं शाहिद कपूर भी एक गुनाह करने के लिए चले हैं। जी हाँ, शाहिद कपूर नकली नोटों की हेरा फेरी करने वाले हैं। फर्जी नोटों की धांधली शाहिद कपूर करने वाले हैं। जी हाँ, शाहिद कपूर के इस गुनाह का क्या है सच, चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। बॉलीवुड इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों से लगातार एक के बाद एक कई फिल्मों के तो कई वेब सीरीज के सीक्वल्स बन रहे हैं। फिल्मों के पार्ट टू को लेकर के मेकर्स मोटी कमाई कमा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो हाल में ही ओ माय गॉड, गदर 2, ड्रीम गर्ल 2 को लेकर के काफी ज्यादा सुर्खियां हुई थी। तो वहीं टाइगर भी आप इसमें ले सकते हैं। तो वहीं शाहिद कपूर की सीरीज फर्जी भी अब एक नए रूप में सामने आने वाली है। जी हाँ, शाहिद कपूर की फर्जी, जहां पर शाहिद का अलग अंदाज दिखेगा। खलनायक होंगे शाहिद कपूर, या यूं कहें बॉलीवुड के चॉकलेट बॉय। कहा जा रहा है कि जल्द ही फर्जी 2 आने वाली है और इसको लेकर के क्या है बड़ी अपडेट, चलिए बताते हैं आपको आज के इस प्रोग्राम में। इस साल फरवरी में रिलीज हुई शाहिद कपूर की फर्जी को फैंस ने बेहद पसंद किया था। इस सीरीज के एक्टर काफी ज्यादा पॉपुलर हुए थे। तो वहीं एक्टर ने OTT प्लेटफॉर्म पर डेब्यू भी किया था। खबर अब ये सामने आ रही है कि शाहिद जल्द ही फर्जी 2 लेकर के आने वाले हैं। जी हाँ, एक इंटरव्यू के दौरान शाहिद कपूर ने फर्जी 2 का ऐलान भी कर दिया है। इस दौरान एक्टर ने कहा कि फैंस जल्द ही उन्हें OTT पर दोबारा देखेंगे, क्योंकि फर्जी 2 बन रही है। इस तरह से कहानी का अंत होगा, किस तरीके से कई राज खुलेंगे, इसके लिए आपको देखना होगा फर्जी 2। फर्जी 2 बनेगी तो बवाल तो मचना जायज ही है, और साथ ही फर्जी 2 बनेगी और अगर कुछ और मुझे पसंद आया तो मैं भी वो भी करूंगा, ये भी शाहिद कपूर ने कहा। शाहिद कपूर कहते हैं कि फर्जी 2 के अलावा अगर OTT पर उन्हें कोई और प्रोजेक्ट्स ऑफर होते हैं तो वो OTT करना चाहेंगे। OTT के लिए किसी भी चीज के लिए हाँ नहीं कहेंगे, यानी कि शाहिद कपूर ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि अब बड़े पर्दे से निकल करके लोगों के घरों तक वो दस्तक देंगे, उनके मोबाइल फोन तक वो दस्तक देंगे और OTT का मजा हर किसी को दिलवाएंगे। इसीलिए शाहिद कपूर भी अब OTT प्लेटफॉर्म को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मान करके चल रहे हैं। फर्जी की कहानी की चलिए बात कर लेते हैं। तो इस कहानी में दिखाया गया है कि देश में जाली नोटों का जाल है। इस काले कारोबार को लेकर राजनेताओं की सोच और मिलीभगत को दिखाया गया। जाली नोटों के कारोबार में शाहिद कपूर एक मोहरा होते हैं, मगर उनके हुनर के चलते इस कारोबार की धुरी बन जाती है। फर्जी में शाहिद कपूर के अलावा साउथ एक्टर विजय सेतुपति भी हिंदी डेब्यू में जबरदस्त अंदाज में नजर आए थे। फैंस ने उन्हें पसंद किया था। सीरीज में दिग्गज एक्टर के मैनन भी विलन का रोल निभाते हुए दिखाई देंगे। एक्ट्रेस राशि खन्ना और भुवन अरोड़ा भी अहम रोल में दिखाई देने वाले थे। तो वहीं शाहिद ने इस फिल्म को लेकर के काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। सीरीज काफी ज्यादा पसंद की गई थी, जहां राशि खन्ना, भुवन अरोड़ा काफी अहम रोल में थे, तो वहीं के मैनन जैसे दिग्गज कलाकार इस सीरीज की और भी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ा रहे थे। तो वहीं अब दोबारा ये कलाकार आपको फर्जी 2 में नजर आने वाले हैं। वहीं अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो दिनेश विजयन की अनटाइटल्ड मूवी में कृति सेनन के साथ शाहिद नजर आएंगे। इस फिल्म में शाहिद कपूर और कृति सेनन का फर्स्ट आमना सामना होगा।
फिल्म के निर्माता मैडॉक, फिल्म के कर्ता धर्ता दिनेश विजानो और डायरेक्टर अमित जोशी और आराध्या हैं। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। तो वहीं प्यार और रोमांस को करते आप कृति सैनन और शाहिद कपूर को पहली बार देखने वाले हैं। तो वही अब आपको बताते हैं शाहिद का सिलेक्टिव मूड। जी हाँ, शाहिद का सिलेक्टिव मूड हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अक्सर शाहिद जो बड़े बड़े किरदारों में बड़े पर्दों पर आपको नजर आ रहे थे, तो वहीं अब उन्होंने बड़े पर्दे का रास्ता बदल लिया है। जी हाँ, अब शाहिद बड़े पर्दे से निकल करके OTT प्लेटफॉर्म पर अपना एक अलग किरदार निभाएंगे। शाहिद ने कई बार ये कहा है कि वो फिल्मों को लेकर के काफ़ी सेलेक्टिव हैं, और साथ ही शाहिद का कहना है कि अब चुनकर मैं फिल्में करता हूँ, फिर भी मैंने बहुत सारी फिल्में कर ली हैं, अगर नहीं चुनता तो पता नहीं कि और कितनी फिल्में कर लेता। मैं बहुत सारी फिल्में करना चाहता हूँ, लेकिन मैं मूछ चिपका कर फिल्में नहीं करना चाहता। कभी मूछ चिपका ली, कभी शेव कर लिया, दो दिन में दाढ़ी उगा कर तीसरी फिल्म कर ली, वैसे एक्टिंग मुझे समझ में नहीं आती है। एक समय ऐसा था जब मैं ऐसी फिल्में कर रहा था, लेकिन अब शाहिद का साफ इनकार है। तो देखा आपने, बॉक्स ऑफिस पर एक और फिल्म शाहिद की नज़र आने वाली है। आप देख रहे थे बॉलीवुड गलियारा का ये खास प्रोग्राम, जिसमें शाहिद कपूर की आने वाली फिल्म का जिक्र हुआ। फर्जी 2 जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर आपको नज़र आएगी, और इसके लिए खास अंदाज में शाहिद ने अपने फैंस को जानकारी भी दी। फिलहाल टाइगर 3 इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में है। उसके बाद शाहरुख खान की फिल्म धुनकी भी जल्द ही दिसंबर में रिलीज होने वाली है, जिसको सामना करना होगा प्रभास की सलार का। अब देखना यह है कि शाहिद कपूर कौन से पोस्टर के साथ अपनी हीरोगिरी देख करके आते हैं और कैसे फैंस का दिल जीतते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट नाइन लाइफ।